आपको ऐसा बोला है कि अंडरलाइन करनी है, और कहाँ पे अंडरलाइन करनी है? तो अंडरलाइन ऑल द नेमिंग वर्ड्स. नेमिंग वर्ड्स मतलब क्या? तो देखिए जो भी नेमिंग वर्ड्स है, आपको पता ही है हाउ मेनी, सो फोर टाइप्स ऑफ नेमिंग वर्ड्स. देयर आर फोर टाइप्स ऑफ नेमिंग वर्ड्स. फर्स्ट वन इज पीपल, प्लेयर्स, एनिमल्स एंड थिंग्स. हाउ मेनी? फोर. पीपल, प्लेयर्स, एनिमल एंड थिंग्स. Words in each of these sentences. These sentences मतलब यहाँ पे दिए हुए जो sentences है उसमें से आपको क्या करना है? तो उसमें आपको naming word ढूंढना है, और फिर उसमें क्या करनी है? Underline. Okay? क्या करनी है उसमें? Underline. So first one is this is my brother. This is my brother. अब नेमिंग वर्ड ढूंढना है. नेमिंग वर्ड मतलब आपको पता ही है कौन कौन से? पीपल, प्लेस, एनिमल और थिंग. ओके, सो दिस इज माय ब्रदर. ये मेरा भाई है. चलो दिस, दिस मतलब ये, इस है माय, मेरा ब्रदर. चलो आपको बोला है कि अंडरलाइन द नेमिंग वर्ड. आपको क्या करना है? नेमिंग वर्ड पे अंडरलाइन करनी है. ओके, नेमिंग वर्ड पे आपको करनी है अंडरलाइन. ओके, सो ब्रदर इज अ नेमिंग वर्ड. ब्रदर इज अ नेमिंग वर्ड. अंडरलाइन द ब्रदर. अंडरलाइन कहाँ पे करनी है? ब्रदर पे. ओके, नेक्स्ट सेंटेंस इज सेकेंड वन. Flowers are in the vase. Flowers are in the vase. Reading सीखेंगे. The flowers are in the vase. Vase में क्या है? Flowers है. चलो तो हमें नेमिंग वर्ड ढूंढना है. यस और नो? सो क्या नेमिंग वर्ड आएगा? पीपल, प्लेस, एनिमल और थिंग. चलो फ्लावर्स, द इज अ नेम. नो, फ्लावर्स, फ्लावर्स इज अ नेम. यस, फ्लावर्स होते हैं. हमारे घर पे येलो, ग्रीन, कुछ भी कलर के फ्लावर्स होते हैं. तो फ्लावर्स इज अ नेमिंग वर्ड. ये किस में इन्वॉल्व हो गए? थिंग्स में या एनिमल्स में? सो ये आएगा थिंग्स में. ओके, are, no, in मतलब अंदर, the मतलब आर्टिकल, was मतलब जो फ्लावर वास होता है वो. फ्लावर वास कैसा होगा? तो ये जो है, ओके, ये है सारे फ्लावर वास. ये जो है वो है फ्लावर, और ये जो है वो है वास, फ्लावर वास. ये क्या हो गया? वास. तो द फ्लावर्स आर इन द वास. ये वास है उसमें क्या है? फ्लावर्स है. देखो ये एक से ज्यादा है इसलिए मैंने पीछे क्या लगाया है? एस. ओके, सो द फ्लावर्स आर इन द वास. तो वास, वास क्या हो गया? नेमिंग वर्ड. यस और नो? सो वास इज अ नेमिंग वर्ड. तो हम वास के नीचे क्या करेंगे? अंडरलाइन. So underline the words. Okay. Next sentence is third one. He is eating your favorite mango. He is eating the mango. वो क्या खा रहा है? Mango. So he कब लगाते हैं हम? कोई भी बॉय कहिए. इज है इटिंग. इटिंग मतलब क्या? खाना. खाना कुछ नहीं हुआ? नहीं. और इज आर्टिकल, ये नेम नहीं है. सो मैंगो, मैंगो इज नेमिंग वर्ड और नॉट? यस, मैंगो इज नेमिंग वर्ड. सो अंडरलाइन मैंगो. मैंगो क्यों मैंगो आया? ये मैंगो किस में आता है? पीपल. मैंगो इज पीपल. नो. मैंगो इज एनिमल. नो. मैंगो इज थिंग. यस, ये खाने की चीज है. ओके,
सो ये फूड प्रोडक्ट है, इसलिए मैंगो इज अ फूड प्रोडक्ट, इट्स व्हाई इट इज अ थिंग. नंबर फोर, सेंटेंस फोर्थ, काउज गिव्स अस मिल्क. हमें काउ क्या देती है? मिल्क. काउ क्या देती है हमें? मिल्क. सो काउज गिव्स अस मिल्क. काउज गिव्स अस मिल्क. काउ हमें क्या देती है? मिल्क देती है. सो काउ गिव्स अस मिल्क. तो काउ, काउ क्या हो गया? काउ इज अ नेम और नॉट? यस, काउ इज अ नेम. क्यों ऐसा हुआ? तो काउ किसमें आता है? एनिमल्स में आएगा या थिंग्स में? यस, काउस एनिमल्स में आएगा. ओके, गिव्स, गिव्स मतलब देना, गिव्स मतलब देना, अस अस मतलब सबको. ओके, काउ भी क्या देती है? गिव्स अस मिल्क. मिल्क मतलब दूध. तो ये नेमिंग वर्ड है कि नहीं? चलो ये थोड़ा सा टफ है आपके लिए. मिल्क, मिल्क ये चीज है. यस, मिल्क खाने के प्रोडक्ट है. क्या हो गया? फूड प्रोडक्ट. मिल्क क्या हो गया? मिल्क इज अ थिंग. ओके, नेक्स्ट वन, फिफ्थ वन इज द टू गर्ल्स. The two girls walk slowly. The two girls walk slowly. जो two girls हैं, two girls walk slowly. स्लोली मतलब से धीरे धीरे चलना. स्लोली मतलब धीरे धीरे. वॉक मतलब चलना. तो जो जो गर्ल्स है वो कैसे चल रही है? स्लोली 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 चल रही है. सो द, द इज आर्टिकल, द इज अ नेम. नो, टू, टू मतलब टू कुछ नेम है. नो गर्ल्स, यस. चलो गर्ल्स किसमें आएगा? एनिमल में आएगा. नो गर्ल्स क्या आपको किसमें आएगा? पीपल में. So girl is a people. Girl is a naming word. So underline on girls. Walk, walk मतलब चलना. तो चलना ऐसा कुछ नेम है? नहीं. Slowly मतलब धीरे धीरे चलना. तो धीरे धीरे ऐसा कुछ नेमिंग वर्ड है? No. Then fifth one, sorry, sixth one is the sun is shining. The sun is shining. चलो the, the is article. Sun, sun, sun एक name है कि नहीं है? Sun is a name or not? Yes, sun is a name. So ये किस में आएगा? People में आएगा. People है sun? नहीं, sun तो यहाँ पे sky पे होता है. The sun is a thing. Is है shining. Shining मतलब देखो जो sun होता है वो sun ऐसे होता है round. एकदम sun कैसे होता है? Round होता है. Yes or no? फिर वो ऐसे shine करता है ऐसे. Okay? ये जो shine करता है उस हमें जो shine मिलती है, धूप मिलती है, वो क्या है? The sun is shining. Sun क्या देता है हमें? Shine देता है. तो ये sun, ये उसकी shining मतलब ये जो हमारे धूप मिलती है वो है shining. Yellow color की shine हमें मिलती है. Okay? उसके थ्रू ही हम क्या एक दूसरे को ऐसे देख सकते हैं, वरना तो क्या हो जाएगा? डार्क हो जाएगा. The sun is shining. The sun क्या हो गया? One type of name. Next one is seventh one. My teacher is, very fine. मेरे टीचर है वो बहुत अच्छे, बहुत अच्छे नेचर के हैं. मेरे टीचर कैसे हैं? बहुत अच्छे.
अच्छे नेचर के हैं. सो माय टीचर इज वेरी काइंड. मेरे जो टीचर है वो बहुत अच्छे नेचर के हैं, मतलब अच्छे स्वभाव के हैं. देखो अगर काइंड मतलब ऐसे दया भावने वाले, वो किसी की भी फटाफट से हेल्प कर देते हैं वैसे टाइप्स. सो माय मेरे भी कुछ नेम हुआ नहीं. टीचर, टीचर इज अ नेम और नॉट? सो टीचर इज अ नेम. तो टीचर के नीचे हम अंडरलाइन करेंगे ये नेम क्यों, ये क्या है, कौन सा नेम है. सो पीपल में आता है, प्लेस में, थिंग्स में या एनिमल्स में. सो टीचर एनिमल है, टीचर वो एनिमल होंगे नहीं. फिर प्लेस है, कोई भी जगह का नेम है नहीं. तो फिर पीपल क्या है, पीपल में आता है, तो फिर टीचर इज द पीपल. इज है वेरी काइंड, वेरी मतलब बहुत काइंड, मतलब बहुत अच्छे स्वभाव के है. सो माई टीचर इज वेरी काइंड, मेरे टीचर है वो बहुत अच्छे स्वभाव के है. तो मेरे टीचर, टीचर इज क्या हो गया, टीचर इज अ नेमिंग वर्ड. ओके,